वो धोंदा और ये चोगा, चोंदा और धोंदा और चोगा, धोंदा और चोगा। टोटल आपने अभी तक इसको कितना घी खिला दिया है देसी? जी 300 किलो। पूरे पंजाब में अगर किसी के पास इतना बड़ा जानवर आया तो लेके आए। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। आज हम मौजूद हैं मंडी में, मंडी पूरी घूम ली हम लोगों ने, मंडी का पूरा विजिट कर लिया, मंडी में डिफरेंट जानवर देखे, मुख्तलिफ किस्में देखी, मुख्तलिफ नस्लें देखी, मुख्तलिफ ऊँचे लंबे छोटे मियाँ बड़े मियाँ साड़े मियाँ देखे हम लोगों ने। अब हम लोग मौजूद हैं एक फ़ार्म पर, मियाँ कैटल फार्म पर मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ किस्म की नस्लें मौजूद हैं, राजस्थानी चोलिस्तानी ब्राह्मण बहुत सी यहाँ पर नस्लें मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कह लें आप इनको, दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर और बड़ा जानवर यहाँ पर मौजूद है आज। इनका नाम क्या है, इनकी नस्ल क्या है, इनके अंदर कितना गोश्त है, कितने साल के हैं, किस किस्म के ये जानवर हैं, आज इनसे खुद जानेंगे हम लोग इनके मालिकान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि इसका नाम क्या है? फ़ख्रे पाकिस्तान। फ़ख्रे पाकिस्तान क्यों कहते हैं आप? बस ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत जानवर है, इस वजह से आप इसको फ़ख्रे पाकिस्तान कह रहे हैं। जी पाकिस्तान के साथ साथ इनकी इनका नाम मतलब फकरे पाकिस्तानी हो गया, बहुत खूबसूरत नाम है इनका। अच्छा इसकी उम्र क्या है? ढाई साल। ढाई साल की उम्र है इसकी। कितने का सेल आउट करें आप? 50 लाख। 50 लाख फाइनल है? नहीं कमी पेशी हो जाएगी। कमी पेशी हो जाएगी। 50 लाख का बेचते हैं, क्या खिलाते पिलाते रहे आप? जी हमको इसको देसी घी दूध वगैरह मक्खन खिलाते रहे हैं और देसी खुराक हमने दी है, फीड का पला हुआ जानवर नहीं है। अच्छा मतलब देसी है, नस्ली है? जी। नस्ल क्या है इसकी? ये क्रॉस है। क्या? क्रॉस, ब्राह्मण क्रॉस। नस्ल भी बहुत अच्छी है और जानवर भी बहुत अच्छा है, नाम भी इसका बहुत अच्छा है। इसी के साथ ये बताइएगा कि इसके अंदर कितना मन, आपके मुताबिक कितना मन गोश्त है? ये 70+। 70+ है इसके अंदर। जी। रेट वगैरह लगा इसका अभी तक कोई? जी लग रहा है कम लगा रहा है, कुछ ज्यादा लगा रहा है बस। कितना मैक्सिमम लग रहा है? ये 30-35 लग रहा है। 30-35 लग रहा है। आपका मैक्सिमम इसका डेली कितना खर्चा है इसके ऊपर? जी वो खर्चा तो मैंने आपको पहले बताया ना, आप पे डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी इस पे कर लें। मतलब कितना फिर भी एक जानवर पर आपका इस जानवर पर कितना खर्चा हो रहा है? ये हमारा 8 से 10 हज़ार रुपये इस पे खर्चा आ रहा है डेली। 8 से 10 हज़ार का खर्चा हो रहा है डेली का। टोटल आपने अभी तक इसको कितना घी खिला दिया है देसी? जी 300 किलो। 300 किलो इसको घी खिला चुके हैं आप, इसीलिए तो माशाल्लाह से ये खूबसूरत भी इतने हैं। हाथ ना लगाओ, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत ये जानवर आज हमारे साथ मौजूद है, फ़ख्रे पाकिस्तान। मैं तो इसको कहूँगी फ़ख्रे दुनिया है ये, फ़ख्रे पाकिस्तान नहीं है। फ़ख्रे पाकिस्तान को तो छोड़ें, ये तो दुनिया का क्रॉस कर गया है। मैंने ऐसा जानवर सबसे बड़ा जानवर पंजाब का अभी तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड ही इसका जा रहा है। ये हमारा चैलेंज है पूरे पंजाब में, अगर किसी के पास इतना बड़ा जानवर है तो लेके आए। इतना बड़ा जानवर है तो लेकर आए। जी तो आपका नाम क्या है? मियाँ नुमान। मियाँ नुमान साहब ने यहाँ पर चैलेंज दे दिया है कि अगर किसी के पास पंजाब में इतना बड़ा जानवर मौजूद है तो वो आए हमारे साथ मुकाबला करे और बताए कि हमारे पास इतना बड़ा जानवर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि अगर किसी के कोई ये चैलेंज एक्सेप्ट करे तो वो भी हमसे राबता करे और हमें बताए कि हमारे पास इतना जो बड़ा जानवर है वो मौजूद है। इतनी खूबसूरत तो मैं नहीं हूँ जितने खूबसूरत ये जानवर पीछे खड़े हुए हैं, जितने सफ़ेद ये हैं इतनी सफ़ेद तो मैं नहीं हूँ, इतनी खूबसूरती तो मेरे से नहीं झलक रही जितनी खूबसूरती मेरी नज़र में इनसे झलक रही है। जी तो बताइएगा कि ये किस नस्ल के हैं? राजनपुरी। राजनपुरी के हैं जी। कजले। क्या क्या क्या? कजले। कजले कजले खूबसूरत। अच्छा तो इनके नाम भी रखे हुए हैं कोई? जी। क्या क्या नाम है इनका? इसका नाम शेरू है जी। अच्छा शेरू, शेरू शेर जैसा ही वो शेरू है, शेरू से भी अच्छा शेर है वो जी। और इसका क्या नाम है? मस्ताना। मस्ताना क्यों रखा हुआ वैसे नाम? बस वैसे ही देखें इसकी मस्त रहता है जी। कहाँ मस्त रहता है? बस आप में मस्त रहता है, लगन में मस्त रहता है इसलिए मस्ताना कह दिया। वो जो पीछे बैठा हुआ खूबसूरत सा, उसका क्या नाम है जी? कौन सा? वो वाला, उसको खड़ा करो भाई। शेरू, मस्ताना और वो राजू। राजू वाह वाह, राजू नाम रख दिया भाई। अच्छा नाम तो इतने खूबसूरत है, इनकी नस्ल भी इतनी खूबसूरत है कि हर साल पालते हैं इस तरह के जानवर? हर साल पालते हैं। क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? इनको देसी घी, चने, मक्की वगैरह, गंदम का चारा, देसी चारा डालते हैं। ये लाहौर में होते हैं कि वही शेखुपुरम? जी। तो इनको ये खाना खिलाने में दिन का कितना खर्चा है इनका? वो तो आप पे डिपेंड करता ना, जितना मर्जी आप कर लें। आप कितना खर्चा करते हैं मतलब? जी वो तो हम तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं, हमारे पास तो तकरीबन यानी कि 90+ जानवर हैं। अच्छा 90+ एक ही नस्ल के हैं? जी मुख्तलिफ नस्लों के हैं हमारे पास। ये सारे वो साहिवाल, ब्राह्मण वगैरह क्रॉस में भी हैं जी। तो इनका एक का क्या रेट लगा रहे हैं आप?
मुख्तलिफ रेट हैं साहब के। एक का क्या क्या रेट है? 20 लाख मांग रहे हैं इसका हम तो। एक का 20 लाख? जी एक का। उम्र क्या है इसकी? 2.5 साल। 2.5 साल सारे सारी ढाई देने। ओके बहुत। ये 2.5 साल का है, वो 2.25 साल का। अच्छा चौका है कि धोंदा है? वो धोंदा है और ये चौका। चौंदा और चौका। मुझे तो इनके नाम भी नहीं आ रहे। 4 साल का, 2 साल का? वो 2.25 साल का है और ये 2.5 साल का। ये 2.5 साल का है। अच्छा तो माशाल्लाह से ये खूबसूरत इतने हैं, इनके रंगो रूप भी इतने खूबसूरत हैं, इनके ख्याल भी बहुत करना पड़ता होगा। तो आप खुद अपना नहीं रखते जितना इनका रखते हैं। ये मैंने कह दी ना इतना ख्याल, इतनी खूबसूरत तो मैं नहीं, जितनी खूबसूरत है इनकी वही बात। इतना ख्याल तो हम खुद के इतना ख्याल ना रखा, किसी ने रखा था तो आप भी इनसे ज्यादा खूबसूरत होते। अच्छा यानी मेरा ख्याल, इनका ख्याल इसीलिए ज्यादा रखा जा रहा है। हाँ जी। यानी खूबसूरत लड़कियों का राज ये है भाई, खूबसूरत बनने के लिए जरूरी है कि आपका ख्याल रखा जाए। मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी ख्याल नहीं रखते मेरा, लेकिन इनका बहुत ख्याल रखा जाता है। जी तो नाज़रीन आपने पूरी मंडी मेरे साथ घूमी, पूरी मंडी के रेट्स जाने, जानवर देखे, मुख्तलिफ नस्लें देखी, खूबसूरत नस्लें देखी, खूबसूरत जानवर देखे और उनके रेट जाने। कहीं पर रेट पर गर्मा गर्मी चल रही थी, कहीं पर रेट पर कोई मान, कोई कभी गाहक नहीं माना था, कभी मालिकान नहीं मान रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।